इस बार के चुनाव में मैडम आपकी मुद्दा क्या होगा? मुद्दा है सिवान की विकास, मुद्दा है आपका दलित शोषित ओबीसी जितने भी लोग हैं उनके हक हकूक की लड़ाई है। अटल बिहारी की सरकार में आपके पति पूर्व मोहम्मद साहबुद्दीन को विकास पुरुष का अवार्ड मिला था जी, उसके बाद से सिवान में क्या उस तरह से विकास हुए है? ये सिवान की जनता इसका जवाब देगी, मैं सिवान की जनता पर छोड़ देती हूँ। किस तरह से जवाब देगी? वो देगी ना, वो बताएगी कि हाँ पहले क्या काम हुए हैं और अभी क्या काम हुए हैं। जब भी दो टर्म से जब भी चुनाव आते हैं और आपको बाहुबली की पत्नी के नाम से अपोजिट सामने वाले अब ऐसा करते कुछ हैं। नहीं इसको क्या मानती हैं? इसको मैं हवा हवाई मानती हूँ, इसको मैं आरोप मानती हूँ, क्योंकि मैं जो 5 साल में मैं जन जन तक गई हूँ, जो हर अमीर से गरीब के घर में जब मैं गई हूँ, मैं बहुत नज़दीक से देखी हूँ, लोग मुझे जान रहे हैं कि मैं बाहुबली की पत्नी हूँ, यह साधारण एक महिला हूँ। क्या आप मानती हैं कि सिवान अपराध मुक्त है? अब तो बताए ना कि सिवान की जनता ही इसकी जवाब देगी कि आए दिन जो घटनाएं हो रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? शाहबुद्दीन साहब है तिहाड़ में, या कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, या खुद समय सिवान की जनता है? हर बार एक एजेंडा निकल कर आता है आपके लिए कि आप बाहुबली की पत्नी है, इस बार भी एक बात निकल कर आ रही है कि आपके सामने जो प्रत्याशी खड़ी है वो भी एक बाहुबली की पत्नी है। नहीं, वो तो अपने आप को घोषणा कर दी है, मैं एक साधु संत की पत्नी हूँ, तो उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। उनको, उन लोगों को जो भी कहना है, जो भी जनता के बीच में जाकर बतानी है वो बताएं, जनता उसका जवाब खुद देगी। तिहाड़ जेल के मैनुअल के हिसाब से आपको 5 मिनट के लिए बात करने की इजाज़त मिली है, हफ्ते में एक दिन जी। साहब से जब बात होती है तो क्या उनका संदेश आपको क्या समझाया जाता है? संदेश में क्या होगा, घर के बारे में बात होती है, खैर खैरियत होती है, अब वो सभी के बारे में पूछते हैं, बच्चों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, भाई बंधु के बारे में। चुनाव को लेकर क्या कहते हैं, कैसे मिलना है, क्या एजेंडा? चुनाव को लेकर वो क्या बताएंगे, वो कहते हैं कि ठीक है, वो तुमको अपने लोगों तक जाना है, पहुंचना है और अपनी बात को रखनी है, और सभी उन लोगों को उच्च स्थान पहले देनी है जो गरीब शोषित दलित हैं, जिनको लोग छोटा समझते हैं, मैं उन्हें सबसे बड़ा समझती हूँ। लास्ट सवाल मैडम, इस बार क्या जनता आपको पूरी साथ देकर संसद पहुंचाएगी? ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा और जनता का साथ रहा तो इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पहुंचेंगे। एक मैडम देखा जाता है कि चुनाव आते आते सांप्रदायिकता का कार्ड खेला जाता है, क्या इस बार फिर से खेल खेला जाएगा? अगर खेला जाएगा तो उसे रोकने में किस तरह से कामयाब होंगे? जी, खेला तो जाएगा जी, लेकिन इस बार जनता जागरूक हो गई है जी। जनता को अभी काम चाहिए, अपने जिला का विकास चाहिए और दलित शोषित को अपना हक चाहिए, इसलिए वो सभी लोग जागरूक हैं। उसमें कभी कोई धर्म के नाम पर और जाति विशेष के नाम पर ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते। मैडम, एक हमेशा बात हमेशा से आती है कि शाहबुद्दीन बाहुबली है, सच में बाहुबली है या विकास पुरुष है, इसको आप क्या मानती हैं? उनके अच्छा, तो आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगी ना कि विकास पुरुष है जी, जी। और जो दूसरे लोग हैं वो ना कहेंगे कि वो बाहुबली हैं, सही नहीं है, बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास अपनी कोई पहचान नहीं है, अपना कोई उन लोगों का ये नहीं, वो लोग अपना दिखा रहे हैं कि मैं ये काम करूंगा, ये पीछे मैंने इतने सारे काम किए हैं, और जो लोग जो डायरेक्ट लोग कह रहे हैं कि मैं धुरौंधा विधानसभा को विकास करके दिखा दिया, तो आप धुरौंधा जाइए, धुरौंधा के रोड को देखिए, धुरौंधा के दलित शोषित
मोहल्ले में जाइए, गांव में जाइए और वहां का रास्ता देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना उन लोगों ने 10-15 साल जो उनका विधानसभा रहा है अपना, वो कितना विकास किए हैं। चैनपुर में है उनका, हसनपुरा में थोड़ा है और धुरौंदा पूरा ही है, ये उनका विधानसभा है। थोड़ा सा आप लोग बारीकी से घूम लीजिएगा अंदर और देख लीजिएगा कितना विकास हुआ है। ओम प्रकाश यादव के टिकट कटने के बाद से क्या लग रहा है, फिर से एक बार माई समीकरण सिवान में दिखाई दे रहा है? देखिए माई समीकरण नहीं है, समरस समाज है इस वक्त, है ना। MOI दलित शोषित पिछड़ा और हमारे अपर कास्ट भी हमारे साथ हैं, सभी लोग, पूरे समाज के लोग। मैंने कहा था ना कि हमारे महागठबंधन में सारे समाज के लोग हैं, जहाँ कांग्रेस में फॉरवर्ड हैं, बैकवर्ड हैं, अति पिछड़ा है, दलित है, उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल में भी फॉरवर्ड भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं, शोषित हैं, दलित हैं, OBC हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी समुदाय के लोग हैं और इसी यही मेरा अपना समाज होगा। कुछ नामांकन की तिथि मैडम तय हुई है? नहीं, 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 नहीं।